हाय गाइज, मैं विवेक सिंह आप सबका आपके इस अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो पेपर करने जा रहे हैं वो है 2 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का, और CHSL का सॉल्यूशन अभी तक YouTube पे किसी ने नहीं दिया है, और मेरे देने के बाद, मेरे प्रोवाइड करने के बाद RBE चैनल वाले ने प्रोवाइड किया है, तो आप उसके चैनल पे जाके सॉल्यूशन कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो CHSL 19 या CGL का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देखना ये वीडियो। MTS वाले डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो तो वीडियो को बंद ही कर दें। ठीक है, 2-3 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है, अनु स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम। अनु अपने इनकम का 90% क्या है, स्पेंड कर दे रहा है। ठीक है, एक सेकंड, 90% इनकम का स्पेंड कर दे रहा है, तो वो क्या हो गया, इनकम अगर 100% है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 90। अगर उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 25% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है तो सेविंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेविंग हो जाएगा 10, एक्सपेंडिचर 25% इंक्रीज कर रहा है मीन्स 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 22.5 मीन्स 112.5। अब ये एक्सपेंडिचर इतना हो गया, उसके बाद फिर सेविंग को भी इंक्रीज करना है 30% मीन्स 3/10, तो इसमें 3 इंक्रीज होगा 13, तो अब इसका इनकम क्या हो जाएगा 12 + 13 25.5। तो पूछ रहा है देन वाई व्हाट परसेंट डज हर सैलरी इंक्रीज, उसके सैलरी जो है कितना इंक्रीज हो जाएगी, तो 25.5 हो जा रहा है, पहले था कितना 100, तो इंक्रीज कितना हुआ 25.5, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, ABC QPR दो ट्रायंगल है, दोनों क्या है सिमिलर है, एंगल ABC फिर है QPR, यहाँ पे हो गया QPR, यहाँ पे बोला हुआ है ABC PQR का रेशियो 9:16 है, मीन्स ये जो है ABC और PQR का रेशियो बोल रहा है 9:16, एरिया का रेशियो 9:16 है, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है साइड का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, मतलब 3/4, तो ABC का अगर रेशियो 3 है तो PQR का कितना रेशियो हो जाएगा, PQR का 4 हो जाएगा। अब बोल रहा है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर साइड, BC इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 9, AC अगर 9 है तो QP किसके इक्वल होगा, इस साइड। ठीक है, तो 3 4 जा कितना हो रहा है 12, तो यहाँ भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16, हो गया 16 आंसर। अगर ये समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करिए, तभी तो पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल में सर्कल इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं पहले, ABCD क्वाड्रिलेटरल टचिंग साइड ABBCCDDA एट PQRS, अच्छा इस वाले को टच करते हुए ये सर्कल क्या हो रहा है, सारे साइड को टच करते हुए कहाँ पे, AB को P पे, BC को Q पे और CD को R पे और इसको S पे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AS क्या है 8 सेंटीमीटर है, BC क्या है 11, BC अगर ये पूरा देखें तो 11 सेंटीमीटर है, CR 5 सेंटीमीटर है, CR क्या है 5 सेंटीमीटर,
देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, इस पूरे वाले का लेंथ पूछ रहा है। तो पहले तो देखो, कोई भी सर्कल है उस पर अगर टेंजेंट कहीं से ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट जब भी होगा तो क्या होगा, सर्कल को एक्सटर्नली टच करेगा, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया बी से ए बी। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये जो दोनों टेंजेंट होगा दोनों की लेंथ इक्वल होगी आपस में, ठीक है, मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी। बस वही चीज़ यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे दिख रहा है ये सर्कल है, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, सी क्यू। अब ये जो बचा हुआ लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 14। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 6 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3, और ए का वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है, मीन्स 0 इज, ए का वैल्यू क्या होगा, 0 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल, और 90 के इक्वल होना चाहिए या फिर 90 से स्मॉलर। तो हम यहाँ पे 0, 30, 60, 90 कुछ भी पुट कर सकते हैं, देखना यहाँ पे कि क्या पुट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही देखे कि ये 3 है तो 3 को क्या करेंगे, अगर ये टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये बच जाएगा 3, तो ये पूरा टर्म 0 कब होगा, साइन 0 पे, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ऐसे ही देखने से ही पता चल रहा है कि 0 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ए बी सी, किसी ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, एट डी एंड ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए ई इस एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे है, ए ई। अब अगर यहाँ पे बोल रहा है बी 72 डिग्री है, कितना है 72 डिग्री, सी 26 डिग्री है, सी जो है वो क्या है 26 डिग्री है, व्हाट इज द मेजर ऑफ डी ए ई, तो डी ए ई ये मेजर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका अगर सम अप करें सॉल्व करें तो हो जाएगा हाफ इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाफ इंटू बी क्या है 72 माइनस 26 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 मीन्स 6 और बचा 5 मीन्स 32, हाफ इंटू ये 46 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखने से ही पता चल रहा है, क्या बताए थे, साइन को जब भी रिवर्स चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज होगा, ठीक है। साइन जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये किस में हो जाएगा, कॉस थीटा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे साइन 81 इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा, कॉस 9, कॉस 9 प्लस कॉस 9 टू कॉस 9 डिग्री, फिर यहाँ पे सेक 9 प्लस कॉसेक 81, कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक 9 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सेक 9 डिग्री अपॉन साइन 56 सेक 34, सेक 34 को चेंज करने पे क्या आ जाएगा, कॉसेक 56, कॉसेक 56 इंटू साइन 56 मीन्स कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 प्लस कॉस 25 प्लस कॉसेक 65 क्या हो जाएगा, कॉसेक को जब चेंज करेंगे तो सेक 25 आएगा, सेक इंटू कॉसेक क्या होता है 1 हो गया, कॉस से कॉस इंटू सेक भी 1 होता है, तो 2 इंटू 2 4, 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 2, आंसर ऑप्शन 3। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें जो ब्लू वाला ये क्या है, डिमांड को शो कर रहा है, और ये जो रेड कलर है, मैरून कलर है, ये किसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन को। तो डिमांड और प्रोडक्शन किसी भी मोटरसाइकिल का, ये 5 कंपनी है ए बी सी डी ई, तो इस वाले कंपनी में कौन से ईयर में कितना हुआ ये बता रहा है, ठीक है। जैसे कंपनी डी में
डिमांड एट 125, प्रोडक्शन है 140। तो इस तरह से सारे कंपनी इन डिमांड है 95, प्रोडक्शन है 120। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ई, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ई, मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज बी सी ई, बी सी ई टुगेदर लेंगे, बी सी ई प्रोडक्शन बोल रहा है तो 90, यहाँ क्या है 90, 135 और फिर 120, 90, 135, 120 क्या हो जाएगा, 9 3 12 12 2 14 कैरी 1 345। फिर पूछ रहा है इस टुगेदर व्हाट परसेंट लेस देन द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल डी, इसका डिमांड क्या है, डी कम डिमांड है 125 से क्या कह रहा है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन कह रहा था बी सी ई का, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 115। तो ये कितना लेस है, 10 लेस है, कितना में से 125 में से, तो 25 टाइम्स होगा क्या 5 2 10, 2 × 4 मीन्स 8%। आगे आंसर क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय 1 + cos θ, क्या साइन थीटा बाय 1 + cos θ, इसको तो सिंप्लीफाई कर देंगे सीधे से, क्योंकि अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट करना पड़ेगा 45 डिग्री, और ऑप्शन में कॉस थीटा साइन थीटा दोनों दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू 45 पे सेम होता है, दैट्स वाई यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos θ। आप यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 + cos × sin, 1 + cos θ × sin θ। अब ये जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनाएगा, 1 1 + 1 क्या बना रहा है 2 2, और प्लस 2 cos θ आ गया, नीचे में क्या है 1 + cos θ × sin θ, तो 2 × 1 + cos θ बाई 1 + cos θ इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cosec θ। कैसे, ये कैंसिल हो गया, 1 upon sin θ क्या हो जाएगा cosec θ, 2 cosec θ आ गया। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को 10 में चेंज करते हैं, 1/tan, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, तो 1/tan² θ + 1, और ये cot थीटा क्या हो जाएगा, पूरे में नीचे जाएगा, यहाँ पे tan²θ + 1 1/tan, तो यहाँ पे tan थीटा है। अब ये tan थीटा न्यूमरेटर पे जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई tan²θ + 1 क्या होता है, sec²θ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइन बाई कॉस, नीचे क्या हो जाएगा 1 cos², तो यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, तो आंसर आ जाएगा क्या, ये कॉस ऊपर जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक है, साइन इंटू कॉस, तो 2 cos θ × यहाँ पे क्या हो जाएगा sin θ × cos θ, cosec × sin क्या हो जाएगा 1, तो 2 cos θ आंसर हो जाएगा। बस एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज वहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, सॉल्व करना ही बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 − 2 sin²θ, 3 − 2 sin²θ − 3, तो यहाँ पे भी क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, 60 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 − 2 sin 60 √3/4, तो √3/2, तो 3/4, 2 × 3/4 −3/2, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो 3 − 3/2 −3/2,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 लिख सकते हैं, 0 आ गया आंसर। तो थीटा का वैल्यू कितना पुट करना, 60, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस टेन 60√3, 4+3/√3, 7/√3, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा यहाँ पे 7/√3 है तो कैसे पता कर लिए 4 है, नीचे डिनोमिनेटर तो √3 है बट ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो क्या करेंगे 3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो 7√3/3। तो ये सब तो देखने से ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर 5,220 ईच, ऑन वन ही गेन्ड 16% एंड वन ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%, हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल वॉच, पूरे पर उसको लॉस कितना हुआ, ठीक है। अभी जो है दो आर्टिकल को 5,220 में बेचा ईच को, ठीक है, हर एक को, पहले वाले पे उसको 16% का प्रॉफिट हुआ, मीन्स लाभ हुआ, ठीक है, दूसरे वाले पे उस पर हानि हुआ, लॉस्ट 10%। तो उसका पूछ रहा ओवरऑल पूरे पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, CP:SP का रेशियो निकालेंगे, पहले वाले पर 16% का गेन हुआ, 4×4=16, 25×4 मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस 29, दूसरे वाले पे लॉस्ट 10%, लॉस्ट 10% मीन्स 1/10, तो अगर 10 कॉस्ट प्राइस है तो ये कितना सेलिंग प्राइस कर रहा है, 9। अब यहाँ पे देखते हैं 29 को क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का आर्टिकल का, और यहाँ रेशियो में क्या डिफरेंट है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 29 से, तो जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो कितना आएगा, 9×9=81, 261, CP कितना हो जाएगा, 225, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 290, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 261। तो अब यहाँ पे दोनों का सम कर देते हैं, ठीक है, 2,6,5,22, ये आ गया 5,22 टोटल SP, और ये टोटल CP कितना आ जाएगा, टोटल CP आ जाएगा 5,9,2,11,515। प्रॉफिट और लॉस होल पर निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, सेलिंग प्राइस क्या है, 5,20,20,0 ईच का, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10×2=20, तो 1:1 में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 20, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है, 7 का, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा, 20, तो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 140 का होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फिर वही ग्राफ का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनीज ए, कंपनीज ए कंपनी डी का टेकन टुगेदर टू द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल डिमांड, यहाँ पे ब्लू वाले को देखना, ए और डी, तो 100 और 125, फिर बोल रहे हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी सी, सी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 135, और यहाँ 15, 5×5=25, 3×5=15, तो 5:3 आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, सी एंड ए 32 डेज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 16 डेज, बी प्लस सी कितना में कह रहा है, बी प्लस सी 24 डेज, सी प्लस ए 32 डेज, तीनों का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा,
तो यहाँ पे 96 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 16 6 96, 24 4 96, 32 3 96। तो अब जरा ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी निकालें, तो 6 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 आ गया, 13/2 आ जाएगा, 2 ABBCCA आ रहा है, इसका क्या हो गया 6.5। तो अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ जब 6.5 कर रहा है 13/2, तो टोटल कितना काम फिनिश हो गया, 12 डेज तक करता है। तो 13/2 × 12 मीन्स 13 6 78, 78 डेज क्या हो गया, काम कर दिया 78 वर्क। बच गया कितना 18 को कितना किसको करना होगा, सी को। सी का कैपेसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, 6.5 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए प्लस बी का, तो सी का आ जाएगा। सी का कितना आ गया 0.5 मीन्स 1/2, तो 18 को करेगा तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। इसलिए सी को काम करने में कितना डेज लग जाएगा, 36 डेज, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 AB, ए स्क्वायर 2 AB माइनस 3 AB क्या हो जाएगा माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, और यही वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। 110 दिया हुआ है, ए प्लस बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 110 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 22। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, वापस ग्राफ पे आते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी बी एंड डी टुगेदर, प्रोडक्शन पूछ रहा है बी एंड डी में 90 प्लस 140 कितना हो जाएगा 230, ठीक है 230 हो जाएगा। इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनीज टेकन टुगेदर, डिमांड सारे का एक साथ लेना है, 100 प्लस 70 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 95। ये आ गया कितना 220 290 प्लस 3 500 आ गया। अब पूछ रहा है 230 इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ, मीन्स 230 कितना परसेंट है 500 का, तो सिंपली करना है क्या है, 230 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 25 6 30 46%। नेक्स्ट 15, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज 96, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी, ए और बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 96, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज 40% मोर देन दैट इन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस 140 है तो बी में क्या है 100 है, तो रेशियो क्या आ गया 7:5, और ये टोटल 12 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 96, 1 इक्वल टू 8, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 56, और ये क्या हो जाएगा 5 8 40, तो स्टूडेंट का रेशियो 7:5 आ गया, नंबर का रेशियो। अब बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इज 50% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट 50% मोर देन दैट ऑफ ए, ए का एवरेज वेट जितना भी है उससे 50%, ए का अगर 2 है तो इसका 3 है, बी का 3 है एवरेज वेट। If the average weight of all the student in A and B together is 58, together लेंगे तो 58 हो रहा है, then what is the average weight of student in B, तो इस 3 वाले value का पूछ रहा है, value क्या होगा 7.5 क्या हो गया 12, तो इसमें जब 12 को क्या करना होगा, इसके difference के equal करना होगा, ठीक है, difference क्या है 1 के equal अगर 12 आ गया तो 3 के equal क्या हो जाएगा 36।
36 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 24, तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो इसको हम 29 लिख सकते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो रेशियो क्या आ रहा है, 5:7 आ रहा है। ठीक है, 7:5 ये वैल्यू चाहिए था, तो ये वैल्यू यहाँ पे हाफ किया था मैंने, तो यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा, डबल कर देना पड़ेगा, 72 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी 33। तो पहले ये वाले फॉर्मूला बता ही चुका हूँ मैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी ए का वैल्यू चाहिए हमें, वो किससे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, तो 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला आता है 2 × ABBCCA। ठीक है, तो 25 माइनस 33 क्या हो जाएगा, -8, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो बाई 2, तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। आते हैं इस पे, इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू 5 गिवेन है, इसका वैल्यू 33 है, और माइनस अगर कॉमन ले ले तो ए बी बी सी सी ए, इसका वैल्यू है -4, तो 33 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 37, 37 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 185, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी पिछले शिफ्ट की तरह ही क्वेश्चन है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपली ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2√5 का स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है, तो इस वाले का स्क्वायर करने पे ही आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर, तो ये 2√5 का स्क्वायर करने पे ए का वैल्यू मिल जाएगा, 2√5 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 20, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2√5 × √3 मीन्स 2√15, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, वैल्यू पुट कर देते हैं, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 × 4 = 60 प्लस सी का स्क्वायर 9 -20, 69 -20 क्या हो जाएगा, 49, और ये अंदर रूट है तो क्या हो जाएगा, आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 4096, 15% 4, 2.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। अब जो भी क्वेश्चन आएगा एस आई सी आई का, सारा ऐसे ही आएगा, 8 मंथली 10 मंथली, तो इस वाले को कैसे करना है, 10 मंथली मीन्स 10 बाई 12 से क्या कर देना है, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% × 10/12, और टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 10/12। ठीक है, बस आ गया, यही निकालना चाहिए। थ्री फाइव जा 15, थ्री नहीं हो जाएगा ये, 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 6, तो 5 × 5 = 25, 25/2 क्या आ गया, 12.5%, ये आ गया रेट, अगर कंपाउंडेड 10 मंथली किया जाए तो रेट 12.5% होगा। टाइम क्या होगा, 2 होल्ड 1/2, 2 × 4, 5/2 × 12/10, 2 × 6 = 5, 2 = 3 ईयर आ गया। अब देख लो क्या करना है, फर्स्ट ईयर का सी आई निकालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का निकालना है, और थर्ड ईयर का निकालना है। रेट क्या दिया हुआ है, 12/5% क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/8 होता है, तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 496 का सम का 1/8, 1/8 अगर करेंगे तो 512 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, 512 तो होगा ही, फिर इसका 1/8 तो 64, टोटल कितना हो गया, 426, थर्ड ईयर 576 तो होगा ही, फिर 64 का 1/8 तो क्या आ जाएगा, 864,
576 का 1 बाई 8 होगा, तो क्या हो जाएगा 87 जा 56, 82 जा यहाँ पे 72 ऐड होगा, ठीक है, 6 to 8 7 7 14 कैरी 1 648 थर्ड ईयर का है, ऐसा ही क्या होगा 640 सी आई क्या होगा 648। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट मींस टोटल, तो सम अप कर देना है किसको किसको, 648 576 और 528 आ गया आंसर, कर देते हैं सम अप 576, फिर क्या है 512, तो 8 6 14 14 2 16 16 का कैरी 1 4 7 11 1 12 12 1 13 13 कैरी 1 6 5 11 11 5 16 16 17 36 ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आएगा एग्जाम में, CHSL हो या CPO हो या फिर MTS। क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्रेन है X जिसका लेंथ है X, रनिंग 84, क्रॉसेज अनदर ट्रेन Y एट 52 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका भी थ्योरी बता चुके हैं, ये भी रिपीटेड है शिफ्ट का, प्रीवियस शिफ्ट का, 12 सेकेंड टाइम दिया हुआ, इफ द लेंथ ऑफ Y इज थर्ड दैट ऑफ X, टू थर्ड X है तो Y का वैल्यू भी गिवेन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ X, X का वैल्यू निकालना है, तो जब दो ट्रेन क्या कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे, दोनों का स्पीड का सम, 84 प्लस 52 क्या हो जाएगा 8 5 13 4 2 6 136, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बाई 18, टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 बाई 3 एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 एक्स बाई 3 और इक्वल टू 12 सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा मीटर में आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है 5 5 तो कैंसिल हो गया, अब देखते हैं 18x by 136 इंटू 3 से गया 6 इक्वल टू 12, 6 से गया यहाँ पे 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 136 इंटू 2 यस 272, ट्रेन का लेंथ क्या हो गया 272, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, द कंपनी इन विच द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज अप्रॉक्सीमेटली 23% मोर देन द डिमांड, ये जो ब्लू वाला है ग्राफ इससे 23% ज्यादा होना चाहिए, ये वाला तो नहीं होगा, ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी में क्या हो रहा है 70 to 90 का इंक्रीज और 70 का 23% 20 है, 23 7 जो क्या होता है 161 मीन 16.1, ये नहीं होगा, 110 कितना हो रहा है 25, तो 110 का 23% क्या होगा 11 into 23 हो जाएगा 253 मीन्स 25.3 यस ये हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कंपनी सी। अगर डी वाले में भी देखें 25 है 140 है तो 15 125 का 23% क्या हो जाएगा 5 बाई 4, तो 23 5 115 बाई 4, तो ये कितना टाइम्स हो रहा है 25 प्लस 4 29 हो रहा है, ठीक है ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए ये नहीं हो सकता, इस तरह से ई का भी देख सकते हैं ये भी नहीं होगा तो सी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये जैसे ही आया पता चल जाना चाहिए, एक्स से डिवाइड कर देना है दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस में भी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू आ गया, तो यहाँ से हम इस वाले को देखेंगे, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 1, इसमें भी एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 8,
और एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अलजेब्रा में आप लोग का याद ही होगा कि ये जब निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे माइनस थ्री करेंगे, ठीक है, माइनस थ्री इंटू थ्री, थ्री ए, तो 27 माइनस नाइन 18 हो जाएगा इसका आंसर, 18 बाई एट, तो क्या हो जाएगा 9 बाई फोर। अगर ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में है तो क्या कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 टू जा 8, 2 टू होल 1 बाई फोर आ गया ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 5:2, एक रेशियो हो गया सक्सेस का, एक रेशियो हो गया फेलियर का। हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, मींस स्टूडेंट का नंबर चेंज नहीं होगा, अगर ये रेशियो 7 है तो फिर रेशियो 7 ही रहेगा। करा देन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो 9:5, मतलब ये दोनों रेशियो सेम है, तो देख लेते हैं पहले 14 क्या हो रहा है, फेल ज़्यादा हो रहा है तो सक्सेस कम हो जाएगा इस बार, ठीक है, तो 7 को 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो 10:4, 7 को 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से वही मल्टीप्लाई किए तो 10:4 आ गया। अब यहाँ पे 9:5 आ रहा है, ये रेशियो आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, 14 मोर फेलियर क्या हो जाता है 14 मोर, तो फेलियर का देखो रेशियो ज़्यादा हो गया, सक्सेस का रेशियो कम हो गया, ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है 1, और 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 14 स्टूडेंट, तो हमें क्या पूछ रहा है निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, अपीयर कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो 10+4 14, तो अगर 1 14 को डिनोट कर रहा है तो 14 किसको डिनोट करेगा, 14 × 14 को, मीन्स 196 को, टोटल 196 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल क्वार्ट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई, एक सर्कल है उसमें क्वार्ट क्या है ए बी सी डी, दो क्वार्ट्स है गिवन है, दोनों में कुछ लेंथ भी दिया हुआ है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, सी डी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी 18, डी ई 6 दिया हुआ है, तो ये अगर डी ई 6 हो गया तो सी क्या हो जाएगा 12, मीन्स ये वाला लेंथ क्या होगा कम होगा, ये ज़्यादा है, ठीक है। अब ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया होगा, ठीक है, बी ई, हाँ बी ई ही पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जब भी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगे एक सर्कल में तो यहाँ पे जो होगा ए ई इंटू बी ई, ये किसके इक्वल होगा, दूसरे वाले कॉर्ड सी ई इंटू डी ई, ठीक है, ए ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18, बी ई का वैल्यू एक्स, सी ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, सी का वैल्यू 12 इंटू डी का वैल्यू 6, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे 6 × 3 = 18, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए क्या है 90 डिग्री पे है, ठीक है, अगर ए 90 डिग्री है तो ये बी, ये क्या हो जाएगा सी, तो बी एल एंड सी एम आर द मीडियन, बी एल क्या है बी एल और सी एम ये मीडियन है, मीडियन, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन, मींस बी एल, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा 5/4 बी सी स्क्वायर के, ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनके दो मीडियन बी एल, दो मीडियन के स्क्वायर का सम क्या होता है 5/4 बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है 5 BC² से मिला 4 इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये हो गया ना बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5/4 BC², ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है,
सिलेंडर का बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 440 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 रेडियस तो दिया हुआ है 7, 7 7 कैंसिल, 22 22 44 टेंजा 440, तो हाइट आ गया 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 22 बाई 7 में 7 7 कैंसिल, 22 7 जा क्या हो जाता है 54, 1540। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, ये पूरा सीरीज देखते रहिए। 25 करने के बाद आपको सीपीओ वाले एग्जाम में भी जो 12 और 13 दिसंबर को, इसमें भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।